Hello and welcome to GeoMyDev. This is the lecture on microfossils, and today we are going to discuss about foraminifera. In the previous lectures we have discussed till your spores and pollens, and from now onwards we will discuss the microparentology. There are four topics that are there to be discussed. Okay. Now, if you look at the syllabus here, in IIT JAM, your syllabus is almost complete, okay? So, we have discussed the invertebrate parentology, and we have discussed the Gondwana plant fossils, okay? In invertebrate, we have discussed almost, we have discussed all of the important group of animals, okay? So, most of your questions, almost 70 to 80% of the questions will come from here, if you talk about the invertebrate parentology, okay? We have also discussed the elementary idea of vertebrate fossils in India, okay, which is coming under your evolution of man and horse and elephant, okay. And then we also discussed the fossils, their mode of preservation. Ye sab hum discuss kar liya hai, theek hai? So if you talk about the microfossils, in GSI pre there is foraminifera and ostracods, okay, one and two, and in gate geology there is your microfossils. Forams, ostracods, conodonts, and bryozoa. Okay, so it is also covering the syllabus of your GSI pre. Okay, so agar ye humne kar liya to sari microparentology hum kar lenge, theek hai? Because these are the important groups of animals that are coming under your microorganisms. Okay, so coming to the part, so in this lecture we will discuss about the foraminifera. So naam se pata chal raha hai ki microfossils micro hai. ओके इन नेचर वी कांट सी वी कांट एनालाइज देम विद द नेकेड आई तो नेकेड आई से हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं ओके हियर वी कांट सी विद देम नेकेड आई से हम वी कांट एनालाइज सो दैट्स व्हाई वी यूज द माइक्रोस्कोप टू एनालाइज देम ओके एंड दैट्स व्हाई दे आर कमिंग अंडर योर माइक्रोफॉसिल्स व्हाई डू वी स्टडी देम बिकॉज ऑफ देयर इम्प्लीकेशंस इन द पेलियो क्लाइमेट पेलियो क्लाइमेट में ये हेल्पफुल होते हैं बायोस्टेटिग्राफी में होते हैं बायोस्टेटिग्राफी दे आर हेल्पफुल इन योर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ठीक है जैसे कि फॉरम्स जो होते हैं दीज आर वेरी हेल्पफुल इन हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ठीक है कोनोडॉन्स भी हेल्पफुल होते हैं ठीक है तो काफी ज्यादा इनका स्टेटिग्राफिक सिग्निफिकेंस है एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है ठीक है तो ये सब हम डिस्कस करेंगे तो माइक्रोपैरेंटोलॉजी नाम से पता चल रहा है कि हम माइक्रोफॉसिल्स की मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन एनवायरमेंटल एंड स्टेटिग्राफिक सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए जो भी हम फॉसिल्स पढ़ रहे हैं माइक्रोफॉसिल्स उनका टेस्ट कंपोजिशन साइज एनवायरमेंट एंड जियोलॉजिकल एज क्या है ठीक है तो जैसे फॉरम्स वी आर डिस्कसिंग फॉरम्स ओके अभी हम डिस्कस करेंगे कि होते क्या है एक्चुअली में फॉरम्स बट आपको एक आइडिया होना चाहिए इस चार्ट के जरिए ठीक है तो फॉरम्स ऑस्ट्रकॉड्स एंड कोनोडॉन्स ठीक है ब्रायोजोआ इसमें नहीं दे रखा है जनरली ब्रायोजोआ आता नहीं है माइक्रोफॉसिल्स के अंदर ठीक है लेकिन गेट में दे रखा है तो हम डिस्कस करेंगे ठीक है वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे ओके सो ब्रायोजोआ वी विल डिस्कस लास्ट ओके आई थिंक इन 3-4 लेक्चर्स वी विल फिनिश द माइक्रोपैरेंटोलॉजी तो फॉरमिनिफेरा की बात करें तो इसका टेस्ट कंपोजिशन क्या होता है कैलकेरियस ठीक है जनरली होता है दैट इज CaCO3 ओके लेकिन समटाइम्स कुछ जो फॉरमिनिफेरा के ग्रुप हैं वो सिलिसियस काइटिनस एग्लुटिनेटेड ये क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे आगे ठीक है इनके बने होते हैं लेकिन मोस्टली ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फॉरम्स आर मेड अप ऑफ CaCO3 ठीक है इनका जो टेस्ट होता है बाहर का शेल होता है That is made up of CaCO3. Size gains आप देख सकते हो कि almost all are very small in size. ठीक है 0.1 mm to 10 cm. कुछ कुछ बड़े होते हैं लेकिन generally छोटे size के होते हैं ठीक है Marine environment होता है और age range is very important. That is Cambrian to recent. Okay. सिमिलरली ऑस्ट्रकॉड जो होते हैं ये calcareous काइटिनस के होते हैं 0.5 से लेके 5 mm तक होते हैं Marine fresh water. And Ordovician to recent is the age. Age is very important, ठीक है? Age range में हर बार बोल रहा हूँ आपको कि invertebrate, vertebrate में
माइक्रोफोसिस में एज रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोनोडोंट की बात करें तो कोनोडोंट जो होते हैं ये फॉस्फेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है, फॉस्फेट इसमें होता है, फॉस्फेटिक, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जैसे कोनोडोंट है, तो कोनोडोंट बेसिकली क्या होते हैं, एक टीथ होता है, प्रिमिटिव एक ऑर्गेनिज्म था, उसके जनरली टीथ्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, तो वो माइक्रो इन नेचर होते हैं, 0.1 से लेके 3 mm तक इनका साइज होता है, मराइन कैम्ब्रियन टू ट्रायसिक, ठीक है। एज तो ऑस्ट्रकोड फॉरम्स की बात करें तो कैम्ब्रियन टू रिसेंट, ऑर्डोविसियन टू रिसेंट, लेकिन कोनोडोंट जो है वो कैम्ब्रियन टू ट्रायसिक है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। देखो सबका साइज देखो, ठीक है, जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं माइक्रोफोसिस इंपॉर्टेंट, हमें तो सिर्फ 3 या 4 पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन जैसे डायटम पहले इंपॉर्टेंट था, डायटम पूछा जाता था, लेकिन अब सिलेबस में डायटम नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट माइक्रोफोसिल है। तो डायटम की बात करें तो इट इज सिलिसियस इन नेचर, ठीक है। तो साइज देख सकते हो आप 5 से लेके 2000 माइक्रोमीटर्स तक, ठीक है। फॉरम्स काफी बड़े होते हैं इनके रिस्पेक्ट में, ठीक है, डायटम्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। वैसे डिनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं 20 से 150 माइक्रोमीटर, एक्रिटार्च जो होते हैं इट इज लेस देन 100 माइक्रोमीटर्स, ओके। कैल्केरियस नैनोप्लैंकटन्स, दीज आर वेरी लेस, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, लेस देन 20 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। टेरापॉड्स हमने देखा था, टेरापॉड्स क्या होते हैं, दीज आर गैस्ट्रोपॉड्स, ओके, वेरी स्मॉल माइक्रो माइक्रो गैस्ट्रोपॉड्स। सो आई होप यू गॉट द आइडिया, ठीक है, माइक्रोफोसिस होते हैं एक्चुअली। तो This is what the forums look like, ठीक है। तो ये आपका ए बी सी, ये टेस्ट है फॉरमिनिफेरा, फॉरमिनिफेरा। अब ये फॉरमिनिफेरा को हम फॉरमिनिफेरा क्यों कहते हैं, ये हम आगे डिस्कस करें, ठीक है। क्योंकि फॉरमिनिफेरा जो है ना एक्चुअली में काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ने बैठ जाओगे तो दिन रात एक जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई वी नीड टू ओनली get the idea, elementary idea of what forams is actually, okay. और ये जो है ये आपका ऑस्ट्रकोड है, okay. Then spores and pollens भी माइक्रोफोसिस के अंदर आते हैं, बट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जैसे ये है तो ये आपका पॉलन, ओके। सो जो फॉरम्स की हम बात करें तो फॉरम्स जो होते हैं ना ये हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। अब प्रोटिस्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने टैक्सोनॉमी हमने डिस्कस की थी तो उसमें हमने किंगडम डिस्कस किए थे ना, तो प्रोटिस्ट एक किंगडम होता है, प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ। इस किंगडम के अंदर ही आपका फॉरम्स आते हैं, और मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट माइक्रोफोसिस हैं दे कम अंडर द किंगडम प्रोटिस्ट, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक नाम से पता चलता है कि दे मेक देयर ओन फूड, तो जैसे डायटम्स हैं, कोकोलिथोफोर्स हैं, डिनोफ्लैजेलेट्स हैं, एक्रिटार्च हैं, दे मेक देयर ओन फूड, ओके। वैसे फॉरम्स हैं, रेडियोलारिया हैं, दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे बेसिकली कंज्यूम द अदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। ऑस्ट्रोकॉड्स बेसिकली क्या है, माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स। And conodonts मैंने बताया था कि टूथ लाइक एलिमेंट ऑफ jawless वर्टिब्रेट, ठीक है। एक jawless वर्टिब्रेट था कैम्ब्रियन टाइम्स में, ठीक है, उसकी एफिनिटी हमें पता नहीं कि वो एक्चुअली में किस किंगडम से बिलोंग करता है, लेकिन उसके टूथ लाइक एलिमेंट प्रिजर्व मिले, ठीक है, तो उन्हीं को हम conodonts कहते हैं। इट इज ऑल्सो अ माइक्रो वर्टिब्रेट, लेकिन ये हमें पता है कि ये एक वर्टिब्रेट था, यानी कि इसके पास एक बैकबोन थी, ठीक है। एंड प्लांट्स स्पोर्ट्स एंड पॉल्स, तो आपको ध्यान में रखना है कि मोस्ट माइक्रोफॉसिल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटिस्ट, ओके। ठीक है, सो जनरली जो 6 के 6 किंगडम है हमारे, आर्किया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, एनिमेलिया, प्लांट्स एंड फंगाई, दे ऑल हैव माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स, लेकिन जो इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आती है, ठीक है, प्रोटिस्टा, ठीक है। सो फॉरम्स, ऑस्ट्रकॉड्स, ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, और प्लांट्स में आपके स्पोर्स एंड पॉलन्स आ जाते हैं, ठीक है। सो बेस्ड अपॉन दैट हाउ वी क्लासिफाई, देर आर 3 ब्रॉड सब डिविजन्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच आर कमिंग अंडर योर प्रोटिस्टा, माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स ऑफ मेगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है,
कोई बड़ा एनिमल है और उसका कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्ट है, ठीक है। तो जैसे कोनोडोंट था, तो कोनोडोंट भी इसके अंदर ही आएगा आप, ठीक है। माइक्रोफोसिस ऑफ अननोन एफिनिटी, तो जैसे कोनोडोंट का जो एनिमल था जिसके वो हमें टीथ मिले हैं, ठीक है, वो जो जॉलेस वर्टिब्रेट है, ठीक है, उसकी एफिनिटी भी हमें नहीं पता है। तो कोनोडोंट्स आर एक्चुअली कमिंग अंडर बोथ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ मेगा ऑर्गेनिज्म एंड इट इज ऑल्सो ऑफ अननोन एफिनिटी, ठीक है। सो प्रोटिस्टा ग्रुप फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट फाइलम, इट इज नॉट अ फाइलम, ठीक है, ये गलत दे रखा है तो इसको करेक्ट कर लेना। प्रोटिस्टा इज अ किंगडम, ठीक है, इतना ध्यान में रखना, ओके। प्रोटिस्टा किंगडम होता है, तो दिस चार्ट इज इंपोर्टेंट, ठीक है। तो प्रोटिस्टा किंगडम में आपके यूनिसेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं, तो यूनिसेल्ड हैं तो ऑब्वियसली इट इज माइक्रो, ठीक है, इन नेचर, ओके। दे आर एब्जॉर्प्टिव और फोटोसिंथेटिक, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव मैंने बोला था कि हेटरोट्रॉपिक होता है, ठीक है, एंड इसके अंदर जनरली फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन आता है, ठीक है। प्रोटिस्ट, तो प्रोटिस्ट को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो ये आपका किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि दे मेक देयर ओन फूड। फिर फंगाई लाइक प्रोटिस्ट आते हैं जैसे स्लाइम मोल्ड्स, एंड फिर आते हैं आपके एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दिस इज योर प्रोटोजोअन, ओके। तो जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उसके अंदर ही आपका क्या आता है, फोरामिना फेरा आता है, ओके। फोरामिना फेरा, ओके। सो फोरामिना फेरा जो होता है ये अमीबॉइड प्रोटोजोअन के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, अमीबॉइड प्रोटोजोअन, ओके ओके। सो फोरामिना फेरा इज कमिंग अंडर योर अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, ठीक है। सो यहां पे भी मैंने एग्जांपल फाइलम लिखा हुआ है, इट इज नॉट किंगडम, इट इज नॉट फाइलम, इट इज किंगडम, ओके। तो फोरामिना फेरा सार्कोडिना बेसिकली मींस कि दे आर हैविंग अ स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये अभी देखने की जरूरत नहीं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रोफोसिस इज कमिंग अंडर फोरामिना फेरा एंड फोरामिना फेरा इज अ अमीबॉइड प्रोटोजोअन, ओके। अमीबॉइड प्रोटोजोअन विच इज बेसिकली हेटरोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ माइक्रोफॉसिल स्टडी, ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया था कि ये स्टेटिग्राफी में इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। ये वाइड स्प्रेड होते हैं तो अलग अलग लोकेलिटी में हमें मिल सकते हैं, ओके। फिर हम क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इनके हम सैंपल्स बहुत ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, है ना, यानी कि लाइक अगर मैक्रो होता है तो हमें फील्ड में ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, अगर बड़ा लाइक हमें फॉसिल मिल रहा है कहीं पे, ठीक है, तो वी नीड टू ट्रैवल अलॉट। लेकिन माइक्रो फॉसिल्स में क्या होता है कि एक छोटे से पैच पे ही हमें बहुत सारे लाइक मिलियंस ऑफ सैंपल्स हमें मिल सकते हैं, है ना, मिलियंस ऑफ सैंपल्स वी कैन गेट इन अ वेरी स्मॉल पैच ऑफ लैंड, ओके। तो सैंपलिंग में बहुत इजी रहता है, ओके। पेलियो एनवायरनमेंट की कंडीशंस, क्योंकि ये क्या होता है ना, थोड़ा सा अगर टेम्परेचर चेंज होता है मराइन एनवायरनमेंट का या एसिडिटी चेंज होती है तो ये काफी ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ओके, दे रैपिडली इवॉल्व। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में पता लगा सकते हैं, ओके, एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वगैरह ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, अबंडेंस, वाइड स्प्रेड अकरेंस, ओके, इवन डिस्ट्रीब्यूशन इन सेडिमेंट्स, अकरिंग विद इन ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स, अकरेंस ऑफ माइक्रोफॉसिल्स इन रॉक एसोसिएटेड विद कोल्स एंड ऑयल डिपॉजिट। तो हमें पता है कि कोल एंड ऑयल डिपॉजिट काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, तो वहां पे भी ये इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आप खुद पढ़ लेना, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड कुछ ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ओके। सो हेयर इज दी माई फॉरम विच इज कमिंग नाउ, ओके, सॉरी द स्लाइड विच इज कमिंग नाउ, ओके। सो फॉरामिना फेरा जो होता है ये नाम जो है फॉरामिनी, ठीक है, फॉरामिनी फेरा जो है इट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम दी होल्स होल्स दैट आर देयर इन द टेस्ट, ठीक है। तो फॉरामिन का मतलब ही क्या होता है, ओपनिंग, ओके।
opening. Okay, so foramen basically means the openings. Okay, so you can see the test. This is the test of a foraminifera, and so this test has multiple openings. Okay, foramens. So it basically means hole bearers. Okay, hole bearers. Okay, okay. So those animals which contains multiple holes. So this is what a foraminifera looks like. Okay, the test looks like. So if you talk about the taxonomy, तो मैंने पहले कहा था कि it comes under the kingdom Protista, okay? Kingdom Protista, sub kingdom Protozoa, ठीक है, heterotrophs ये होते हैं and phylum Sarcodina. तो Sarcodina मैंने पहले बोला था, तो Sarcodina is basically those which contains these pseudopodias, okay? So this is the alive forams, okay? So these have these hair like extensions which are basically side pseudopodias, okay? So ye pseudopodia jo hota hai, that's why it is coming under the phylum Sarcodina. So Sarcodina, class Rhizopoda, order Foraminifera, okay? Protozoa, Sarcodina, Rhizopoda, Foraminifera, ठीक है, ये basically simplified है ना? अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो थोड़ी सी टैक्सोनॉमी इसकी बड़ी है, ओके, सो ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो सार्कोडिना इज बेसिकली अ सब फाइलम, ओके, सब फाइलम, ओके, लेकिन आप ये वाला ध्यान रखना, अगर वैसे देखा जाए तो लेट मी जस्ट make a new one, taxonomy, okay, of foram, इसको शॉर्ट में forams बोलते हैं, okay, foraminifera, तो kingdom आपको पता है, protista, sub kingdom is your protozoa, then your phylum Sarcomastigophora, ठीक है, नाम थोड़ा टफ है, Sarcomastigophora, ठीक है, then सब फाइलम आता है आपका Sarcodina. Then super class Rhizopoda. Super class is Rhizopoda. Then class Granulo Reticulocea. ग्रैन्युलो रेटिकुलोसिया, ठीक है, और फिर आता है आपका ऑर्डर फोरामिनिफेरा, ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ी है, दैट्स व्हाई आई हैव इन सम बुक्स दिस सिंपलीफाइड क्लासिफिकेशन इज गिवन, ओके, सो दीज आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम प्रोटिस्टा, इसकी इकोलॉजी क्या होती है, जनरली दे आर आइदर बेंथोस, दैट इज लिविंग इन सी फ्लोर, ओके, और आइदर दे आर प्लैंकटॉन्स, that means they are basically floating in the sea water. Okay, now the test, that is the hard exoskeleton, is called test. Isko hum kya bolte hain? Test. Okay, and test is usually composed of mineral calcite. ठीक है, mostly forams में जो test होता है वो calcium carbonate का बना होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ऑर्गेनिक मैटर्स का, जैसे काइटिन, टैक्टिन, ओके, एग्लूटिनेटेड पार्टिकल्स, ठीक है, सेडिमेंटरी पार्टिकल्स जब चिपक जाते हैं आपस में, उसका वो बना होता है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मोस्टली इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, नाउ दे डिफर फ्रॉम अदर प्रोटिस्ट
बिकॉज ऑफ हैविंग दी एनास्टोमोजिंग स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो मैंने कहा था ये जो हेयर लाइक थिंग होती है इनके ऊपर, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, ये जो है ये स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो जो टेस्ट होता है, टेस्ट के अंदर सिंगल या मल्टीपल चैम्बर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। चैम्बर्स मतलब जो टेस्ट होता है वो या तो ऐसे हो सकता है या इस पे ऐसे चैम्बर्स बने हुए होते हैं, ऐसे इस तरीके के चैम्बर्स होते हैं बने हुए, ये मल्टीपल चैम्बर्स इन साइड द टेस्ट। ठीक है, तो इट आइदर हैज सिंगल और मल्टीपल चैम्बर्स इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बाई फोरमेन, दैट इज द ओपनिंग। ओके, या सेवरल ओपनिंग्स, तो दैट्स वाई द नेम इज कमिंग। ओके, फोरमेना फेरा। ठीक है, एज आपको पता है कैम्ब्रियन टू रिसेंट, लेकिन सीनोजोइक एज के ये अच्छे बायोस्टेटिग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं। ओके, तो इंडेक्स फॉसिल्स काफी अच्छे हैं सीनोजोइक के लिए। एंड दिस इज व्हाट बेसिक डायग्राम ऑफ द टेस्ट लुक्स लाइक। ठीक है, जो बाहर की एक्सोस्केलेटन है, इट कंसिस्ट ऑफ द इनर एंडोप्लाज्म, ठीक है, विच कंटेन्स द न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये ओपनिंग होती है, दिस इज नोन एज अपर्चर, और देन दीज हेयर लाइक थिंग्स आर नोन एज स्यूडोपोडिया। ओके, नाउ इन पेलियो क्लाइमेट मैंने बताया भी था, ये मेरा यूट्यूब लेक्चर जो लास्ट वाला है उसमें मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आया था है ना फोरम से, तो वो आप देख सकते हो। तो जो फोरम का जो शेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल जो होता है, इट बेसिकली रिकॉर्ड्स द चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ एंड द ओशन केमिस्ट्री। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेलियो क्लाइमेट। ओके, राइट, सो दीज आर द स्पीशीज ऑफ योर फोरमना फेरा, ये हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट, स्पेशली गेट में और नेट में, कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है, सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है, ट्रांजिशनल, सब पोलर, पोलर एनवायरनमेंट जो होता है, इन एनवायरनमेंट में आपकी पर्टिकुलर स्पीशीज रहती है। ठीक है, उनके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे एनवायरनमेंट पोलर वाला रहा होगा, सब पोलर वाला रहा होगा। ठीक है, जैसे न्यू ग्लोबो क्वाड्रीना पैकीडर्मा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एन पैकीडर्मा, पैकीडर्मा एक स्पीशीज है, ये सिर्फ और सिर्फ पोलर एनवायरनमेंट में आपको मिलेंगी। ठीक है, पोलर सीज में मिलेंगी, तो इसके बेसिस पे हम पेलियो क्लाइमेट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्लोबर्जिनोइड्स रबर है, ठीक है, जी रबर हम इसको हम बोलते हैं, तो रबर जो है ये सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट पे आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे ही पिंक, ठीक है, ग्लोबर्जिन रबर व्हाइट विल बी इन सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। ग्लोबर्जिना रबर पिंक अगर आपको मिल रहा है तो ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, ये बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। ठीक है, सो सेल द इनसाइड द एक्सोस्केलेटन यू हैव एक्टोप्लाज्म विच इज द आउटर लेयर। ओके, एंड इनर लेयर इज डार्कर, दैट इज योर एंडोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो डार्कर लेयर है, दैट इज योर, मतलब जो इनसाइड वाला पोर्शन है, दैट इज योर एंडोप्लाज्म, बाहर वाला जो है दैट इज एक्टोप्लाज्म। ठीक है, जो बाहर वाला है दैट इज एक्टोप्लाज्म। ओके, यहां पे ज्यादा क्लियर है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जो अंदर है लेयर, दैट इज योर एंडोप्लाज्म, फिर बीच में आपका टेस्ट आ जाता है, और बाहर वाला जो लेयर है, ये जो जो ब्लैक पोर्शन है, दैट इज योर टेस्ट, जो बाहर वाला लेयर है, दैट इज योर एक्टोप्लाज्म। ठीक है, एक्टोप्लाज्म। ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म क्या होता है। ऑलराइट, नाउ जो जो स्यूडोपोडिया होता है, दैट इज द, ठीक है, जो स्यूडोपोडिया होता है, दैट इज हैविंग अ डिफरेंट फंक्शंस, ओके, सेवरल फंक्शंस, ओके, दैट इज अटैचमेंट, ओके, लोकोमोशन, कैप्चरिंग फूड, डाइजेशन एंड टेस्ट कंस्ट्रक्शन।
ठीक है। तो स्यूडोपोडिया के जो फंक्शंस होते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट से अटैच रहना है तो उसका उसके लिए भी उसका यूज किया जा सकता है, लोकोमोशन के लिए, ठीक है। अपने को ओरिएंटेड करने के लिए, अगर प्लैंकटोनिक फॉर्म है, ठीक है, तो ओरिएंटेशन के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ओके, सो दिस इज योर स्यूडोपोडिया, ओके। और यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स। सो दिस दिस बेसिकली हेल्प्स इन कैप्चरिंग द फूड, ओके। एंडोप्लाज्म इज द स्टोर हाउस एंड फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। आपको ध्यान में रखना है स्यूडोपोडिया, ओके, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। तो हमने देखा था कि जैसे डायटम्स हैं, डिनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं, दीज आर स्मॉलर इन नेचर, है ना, स्मॉल होते हैं। सो जनरली द फूड ऑफ फॉरामिनिफेरा आर दीज स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर डायटम्स एंड डिनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ओके, ऑफ लार्जर बेंथिक एंड प्लैंक्टोनिक फॉरामिनिफेरा, ठीक है। तो यू कैन से दैट दीज आर बेसिकली फूड फॉर योर लार्ज बेंथिक एंड प्लैंक्टोनिक फॉरामिनिफेरा, ओके ओके। सो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बनाना है तो, अगर कुछ भी नहीं बनाओगे तो आप टेस्ट एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म बना देना, न्यूक्लियस बना देना, और ये स्यूडोपोडिया जरूर बनाना, ठीक है। अब टेस्ट का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया का तो हमने बताया कि आपको फूड गैदरिंग, ठीक है, ये सब चीजें होती है, लेकिन जो टेस्ट होता है, टेस्ट का जो फंक्शन होता है वो होता है रिड्यूसिंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो सस्पेंशन फीडर्स, डिपॉजिट फीडर्स, ठीक है, से बचाता है आपका टेस्ट, ओके। फिजिकल स्ट्रेस जैसे कि हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन, वाटर टर्बुलेंस, इससे भी बचाता है टेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली एक्सोस्केलेटन, ठीक है। केमिकल प्रेशर, दैट इज फ्लक्चुएशन ऑफ पीएच, CO2, O2 से भी आपको टेस्ट बचाता है, ठीक है, फॉरम से फॉरम के टेस्ट बचाता है, ठीक है। इन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि मैंने बताया था कि किसी किसी के अंदर मल्टीपल चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो इनसाइड वाला जो आपका सॉफ्ट बॉडी होती है, इट इज विड्रॉन इन टू द इनर चैम्बर्स, ठीक है, ओके। सो शेल जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, बायंसी में असिस्ट करता है शेल, ओके, जो टेस्ट होता है, ओके। नाउ मैंने आपको कहा कि दो बेसिक टाइप के फॉरामिनिफेरा होते हैं, प्लैंक्टोनिक एंड बेंथोनिक, ठीक है। तो प्लैंक्टोनिक फॉरामिनिफेरा आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और बेंथिक फॉरामिनिफेरा, ठीक है। तो टू बेसिक आपको ध्यान में रखना है, प्लैंक्टोनिक एंड बेंथिक। आई होप यू नो दी व्हाट इज प्लैंक्टोनिक एंड व्हाट इज बेंथोनिक, ओके। इनकी इनकी स्पीशीज के नेम है, ठीक है, काफी टफ होता है, ठीक है, बट हम आगे जब क्लासिफिकेशन में देखेंगे तब आपको जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है फॉरामिनिफेरा की वो हम डिस्कस करेंगे, तब वहां पे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट स्पीशीज को, ठीक है, ठीक है। नाउ नूमुलाइट्स आपने सुना होगा, ठीक है, नूमुलाइट्स। सो नूमुलाइट्स आर अ टाइप ऑफ लार्जर बेंथिक फॉरामिनिफेरा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके टिथियन जो आपका सी था, ठीक है, हिमालय से, हिमालय बनने से पहले, ओके, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय देयर वाज अ टिथियन सी, और टिथियन सी में आपके नूमुलाइट्स मिले हुए, ठीक है। तो जो टिथियन वाला रीजन है नाउ इन द टिथियन हिमालयस, यू कैन सी द नूमुलाइट्स देयर, ओके। एंड इवन इन द पिरामिड्स ऑफ गीजा, यू नो दैट पिरामिड्स आर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, है ना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट और जीएसआई में भी पूछा गया है कि जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स के जो लाइमस्टोन हैं उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म मिला है, ठीक है। तो जो नूमुलाइट्स है ना, द लाइमस्टोन इज कंटेनिंग द नूमुलाइट्स, ओके। वैसे ये टिथियन वाला रीजन में ये नूमुलाइट्स जो लार्जर बेंथिक फॉरामिनिफेरा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, सिमिलर टू योर सेफलोपॉड, ठीक है। आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो अमोनाइट्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से दिखते हैं, बट अमोनाइट्स आर ऑब्वियसली बिगर, नूमुलाइट्स आर स्मॉलर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सम आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे नूमुलाइट्स आर पेलियोजीन बेंथिक रोटालिड फॉरामिनिफेरा, रोटालिड एक क्लास होती है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे।
इट इज ऑब्जर्व इन द टिथियन रीजन, ठीक है। तो ये टिथियन वाला रीजन जो है, टिथियन हिमालय जो है, यहाँ पे आपको नूमोलाइट्स देखने को मिलेंगे। नूमोलाइट्स क्या है? अ टाइप ऑफ बेंथिक फोरामिनिफर। ओके, ठीक है। तो बेंथिक में भी स्मॉल बेंथिक होते हैं, लार्जर बेंथिक होते हैं। लार्जर बेंथिक जो होते हैं वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, शैलो मरीन एनवायरमेंट में मिलते हैं। ओके, और इनके कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो शैलो मरीन एनवायरमेंट, ठीक है, ये वाला शेल्फ एनवायरमेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द वॉल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट, तो जो कंपोजिशन मैंने आपको बताया कि जनरली CaCO3 का होता है, ठीक है, लेकिन इट कुड बी ऑर्गेनिक इन नेचर, काइटेनस इन नेचर, और सॉरी ऑर्गेनिक इन नेचर और सिलिशियस इन नेचर, ठीक है। तो फॉरमेनिफेरा के बेसिकली तीन चार पांच बेसिक कंपोजिशन है, टेक्टिनस, एग्लूटिनेटेड, माइक्रोग्रेन्युलर, पोर्सिलेनियस एंड हाइलाइन, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे, इनके बेसिस पे ही फॉरमेन्स को डिवाइड किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला आता है टेक्टिनस, ठीक है। टेक्टिनस क्या होता है? टेक्टिनस को हम मेम्ब्रेनियस भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज कमिंग अंडर मेम्ब्रेनियस एंड द फोरेम्स आर कॉल्ड एलोग्रोमाइंस, ठीक है, एलोग्रोमाइंस। ओके, द फोरेम्स आर कॉल्ड एलोग्रोमाइंस, इसको मत देखना अभी, ठीक है, इसको देखो, एलोग्रोमाइंस, ठीक है, मेम्ब्रेनियस एलोग्रोमाइंस। सो एलोग्रोमाइंस आर बेसिकली दी सब ऑर्डर ऑफ फोरामिनिफेरा, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेनियस एलोग्रोमाइंस होते हैं, दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ, द टेस्ट इज बेसिकली मेड अप ऑफ थिन फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिक लेयर। दिस ऑर्गेनिक लेयर इज नोन एज टेक्टिन। ओके, टेक्टिन, ये आपको ध्यान में रखना है। थिन नॉन रिजिड प्रोटीनियस लेयर, स्यूडो काइटिनस लेयर इज नोन एज टेक्टिन, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ऑर्गेनिक से अगर बना है, टेक्टिन से बना है, सो दैट इज योर एलोग्रोमाइंस, ओके, कमिंग अंडर मेम्ब्रेनियस क्लास। देन सेकेंड वन इज योर एग्लूटिनेटेड, ठीक है, एग्लूटिनेटेड। तो एग्लूटिनेटेड नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है, बेसिक जो सॉरी बेसल ऑर्गेनिक लेयर तो होती है टेस्ट में, ओके, टेस्ट में बेसल ऑर्गेनिक लेयर तो होती है, लेकिन इसके ऊपर जो होता है ना, सेडिमेंटरी पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंटरी पार्टिकल्स या जो कोकोलिथोफोर्स होते हैं, लाइक स्मॉलर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पार्टिकल्स, ठीक है, स्पॉन्ज, स्पिक्यूल्स, ओके, सेडिमेंटरी पार्टिकल्स, ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ओके, असॉर्टेड सेडिमेंटरी ग्रेन्स बाउंडेड विद सीमेंट, ठीक है। तो सेडिमेंटरी पार्टिकल्स ये आपस में जुड़े हुए हैं किस सीमेंट से, कैल्केरियस या फेरुजीनियस सीमेंट से ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, नीचे बेसल ऑर्गेनिक लेयर है एंड ये सीमेंट से जुड़े हुए हैं, ये सीमेंट है, ओके। तो इसमें जो सब ऑर्डर आता है, ये आता है टेक्सचुलारिन्स, ठीक है, ये टेक्सचुलारिया, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका फ्यूजिलिनिड्स, ओके, माइक्रोग्रेन्युलर। तो फ्यूजिलिनिड्स में क्या होता है, रैंडमली अलाइंड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्साइट और बेसल ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। नीचे क्या होती है, बेसल ऑर्गेनिक लेयर होती है, ओके, नीचे क्या होती है, बेसल ऑर्गेनिक लेयर होती है और रैंडमली और नॉर्मली ओरिएंटेड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्साइट, ओके। सो इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोग्रेनुलर भी कहते हैं, ओके। तो सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है, माइक्रोग्रेनुलर, ठीक है। सो इट अपीयर्स डार्क, अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये थिन सेक्शन में डार्क देखने को मिलेगा, ठीक है, व्हेन व्यूड विद ट्रांसमिटेड लाइट, और ओपेक व्हेन व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जनरली डार्क ओपेक होता है किसमें, माइक्रोस्कोप में, ओके। तो जो ये माइक्रो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं बेसिकली, क्रिस्टल्स भी नहीं होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ कैल्साइट, ओके,
और इनमें पोर्स होते हैं, दैट इज नोन एज म्यूरल पोर्स. ठीक है, ठीक है. तो बीच बीच में, यहाँ पे बीच बीच में पोर्स भी उनके होते हैं. ठीक है, स्मॉल ओपनिंग्स आर देयर पोर्स. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है. फ्यूजुलिना इज दी सब ऑर्डर. ओके, ये रिमेंबर अगेन, आई एम डिस्कसिंग द टेस्ट कंपोजिशन. ठीक है, वॉल टेस्ट, वॉल कंपोजिशन. ओके, देन इज योर पोर्सलेनियस. तो पोर्सलेनियस में क्या होता है, बेसिकली तीन लेयर होती हैं, चार लेयर होती हैं. नीचे तो ऑर्गेनिक लेयर होती ही होती है. ओके, बेसल ऑर्गेनिक लेयर, फिर आता है आपका ऑर्डर्ड इनर लेयर. ठीक है, इसमें जो अरेंजमेंट होता है कैल्साइट का, ये ऑर्डर्ड रहता है. अब बीच में क्या होता है, रैंडमली होता है, रैंडम अरेंज, फिर ऑर्डर्ड रहता है. ठीक है, ऑर्डर्ड आउटर लेयर. ठीक है, तो ऑर्डर्ड, रैंडमली अरेंज, फिर ऑर्डर, एंड बीच, सबसे नीचे बेसल ऑर्गेनिक लेयर. ठीक है, वन टू थ्री एंड फोर. ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पोर्सलेनियस इम्परफोरेट. इसमें कोई परफोरेशन नहीं होता, यानी कि नो पोर्स आर देयर. ये आपको ध्यान में रखना है. इसमें क्या है, पोर्स हैं, माइक्रोग्रेन्यूलर है, रैंडमली अरेंज्ड क्रिस्टल्स हैं ऑफ कैल्साइट. यहाँ पे ऑर्डर्ड इनर लेयर, ऑर्डर्ड आउटर लेयर, बीच में रैंडमली अरेंज कैल्साइट क्रिस्टल्स. ओके, एंड नो पोर्स. तो इनको हम बोलते हैं पोर्सलेनियस. और जो सब ऑर्डर है, दैट इज योर मिल्योलाइट्स. ओके, मिल्योलाइन या मिल्योलिना. ओके, एंड इट इज डिस्टिंक्टिवली मिल्की व्हाइट इन अपेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोर्सलेनियस. ओके, कंस्ट्रक्टेड ऑफ टाइनी नीडल्स ऑफ हाई मैग्नीशियम कैल्साइट. ठीक है, रैंडमली अरेंज फॉर द मोस्ट पार्ट, बट आउटर एंड इनर सर्फेसेज आर कोटेड विद लेयर्स ऑफ हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड नीडल्स. ये आपको ध्यान में रखना. ठीक है, देन इज योर रोटालिन्स, विच इज बेसिकली हाई लाइन. हाई लाइन से आपको पता चल रहा होगा, ग्लास. ठीक है, तो हाई लाइन परफोरेटेड टेस्ट आर जनरली ग्लासी. ओके, तो अगर कोई ग्लासी है, बेसल ऑर्गेनिक लेयर तो है ही आप, बट ग्लासी अगर आपको दिख रहा है वॉल में, तो दैट इज योर हाई लाइन एंड रोटालिन्स. ठीक है, तो ये आपको अगेन कैल्साइट का है, लेकिन मल्टीपल परफोरेटेड एंड ग्लासी वॉल्स. ओके, तो रोटालिन्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट सब ऑर्डर ऑफ योर फोरम्स. ओके, तो हाई लाइन, रोटालिन्स. ठीक है, ग्लासी वॉल, दैट इज ग्लासी वॉल से आपका हाई लाइन पता चल रहा है. ठीक है, तो अगेन मैं कह रहा हूं, क्या आपको, अगर आपको इतना भी पता नहीं है कि कैसे अरेंज्ड है, ठीक है, इसमें रेडियली अरेंज क्रिस्टल्स है, लेकिन आपको ये क्लास पता होनी चाहिए, रोटालिन्स किसके अंदर आती है, हाई लाइन के अंदर आती है रोटालिन्स. ठीक है, रोटालिन्स में कैसा वॉल लेयर होता है, ग्लासी वॉल लेयर होता है. ठीक है, वैसे मिल्योलाइट्स में क्या होता है, पोर्सलेनियस होता है. ठीक है, वैसे फ्यूजिलिनेट्स में क्या होता है, माइक्रोग्रेनुलर होता है. ठीक है, वैसे टेक्सुलारिया में क्या होता है, एग्लूटिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं. एंड एलोग्रोमीन्स में क्या होता है, सिंपल टेक्टिन की लेयर होती है. ओके, बस इतना आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो एलोग्रोमीना, ठीक है, मैंने कहा था कि सिंपल ऑर्गेनिक लेयर होती है. ठीक है, टेस्ट में टेक्सुलारिना, ठीक है, एग्लूटिनेटेड. ठीक है, फ्यूजलिनिया मैंने कहा था माइक्रो ग्रेन्यूलर. ठीक है, मिल्योलाइन में पोर्सलिनियस. ठीक है, रोटलिन इज हाई लाइन. ठीक है, हाई लाइन, तो एंड रोटलिन्स आपको ध्यान में रखना है, रोटलिन्स आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द फोरमिनिफेरा, मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द फोरमिनिफेरा. ओके, एंड फिर एक सब ऑर्डर आता है आपका ग्लोबिजरिनिना. ठीक है, इसमें क्या होता है, रेडिएटेड ग्लासी कैल्साइट. ओके, बाइलेमर टेस्ट ऑफ रेडिएटेड, बाइलेमर टेस्ट ऑफ रेडिएटेड ग्लासी कैल्साइट, इट इज सिमिलर टू हाई लाइन. ओके, सो जुरासिक टू रिसेंट. तो सबसे जो सबसे यंगेस्ट सब ऑर्डर है वो आपका कौन सा है, ग्लोबी जरीनीना. ओके, ग्लोबी जरीनीना. ठीक है, दैट इज सब ऑर्डर. आई थिंक मुझे भी बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है, बट स्टिल आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. ठीक है, एज रेंज इज गिवन हियर. ओके,
ठीक है। चैम्बर अरेंजमेंट की बात करें तो चैम्बर मैंने कहा था कि किसी में एक चैम्बर होता है, किसी में मल्टीपल चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि द फर्स्ट फॉर्म्ड चैम्बर इज कॉल्ड प्रोलोकुलस। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो जो पहला चैम्बर बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोलोकुलस, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक चैम्बर होगा तो सिर्फ इस तरीके से होगा, है ना, और एक इस तरीके से होगा और एक छोटी सी ओपनिंग होगी यहाँ पे, दैट इज अपर्चर। लेकिन मल्टी चैम्बर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। बीच में सेप्टम सा होता है, दैट इज वॉल। तो जो पहला चैम्बर बनता है, द फर्स्ट फॉर्म चैम्बर इज नोन एज प्रोलोकुलस। चैम्बर इज नोन एज प्रोलोकुलस, ठीक है। अपर्चर फॉरमेन इज द ओपनिंग, अपर्चर इज द लास्ट ओपनिंग ऑफ द, अपर्चर इज ऑल्सो द फॉरमेन बट इज द लास्ट ओपनिंग। एक तरीके से दरवाजा है घर का, है ना, घर का दरवाजा है। घर के अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स हैं, ठीक है। हर चैम्बर में डिफरेंट दरवाजे हैं, तो इन दरवाजों को ही हम क्या बोलते हैं, फॉरमेन कहते हैं, ठीक है। और लास्ट जो फॉरमेन होता है, दैट इज द लास्ट जो मेन डोर होता है, दैट इज नोन इज द अपर्चर, ओके। तो प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ चैम्बर अरेंजमेंट, इससे क्वेश्चन पूछा गया है गेट में, है ना। आपने पीवाईक्यू में अगर देखें, देखेंगे आप, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये इमेज दे दी गई थी और फिर पूछा गया था कि कौन सा बाई सीरियल है, कौन सा ट्राई सीरियल, ठीक है। तो अगर सिंगल चैम्बर है तो नाम से दिख रहा है सिंगल चैम्बर है, ठीक है। यूनि सीरियल, सेकेंड वन इज यूनि सीरियल, ये चैम्बर अरेंजमेंट है, ठीक है। थर्ड वन इज बाई सीरियल, ठीक है। दो आपको दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो बाई सीरियल, ठीक है, दिस इज ट्राई सीरियल, ओके। फिफ्थ वन इज प्लानी स्पाइरल, ठीक है। सिक्स्थ वन मिल्यू लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये शेप मिल्यू लाइन। सेवन्थ वन इज प्लानी स्पाइरल इवोल्यूट, एट्थ वन इज प्लानी स्पाइरल इनवोल्यूट, ठीक है। और ये वाला जो है, दैट इज ट्रोको स्पाइरल, ये 10 से लेके 11 12 तक, ये एक ही दिखा रहा है, ठीक है, अलग अलग व्यू में। 10 इज डोर्सल व्यू, एज व्यू, ओके, एंड वेंट्रल व्यू, दिस इज ट्रोको स्पाइरल, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट जो है, आप दो तीन बार देखोगे ना तो आपकी मेमोरी में फीड हो जाए, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ योर लाइफ साइकिल ऑफ द फॉरम, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉरम काफी बड़ा है, तो इट इज ऑब्वियस दैट वी विल मेक टू लेक्चर्स, ठीक है। सेकंड लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। तो लाइफ साइकिल में आपको बस एसेक्सुअल सेक्सुअल लाइफ साइकिल देखनी है, वो हम डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू कि पेलियो एनवायरमेंट में कैसे यूज किया जाता है इसको, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।